हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन की। ये एक इमरजेंसी प्रैक्टिकल वर्क है कि उस वक्त अमल में लाया जाता है जब मरीज की सांसें ना चल रही हो लेकिन दिल की धड़कन नॉर्मल हो। उमूमन रिस्पिरेटरी फंक्शन कुछ सूरतों में जैसे कि ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, सफोकेशन इन स्मोक या इसी तरह रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस की कंडीशन में अफेक्ट होता है। ये वो सूरत हाल है जिनमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले कुछ अहम काम अमल में लाना जरूरी हो जाता है, जैसे मरीज के टाइट कपड़ों को लूज करना, मरीज को हत्तल इम्कान वार्म रखने की कोशिश करना, मरीज के नोज और माउथ से फ्रॉथ को क्लीन करना। इसी तरह अगर आर्टिफिशियल डेंचर लगा हो तो उसे रिमूव करना और मरीज को फ्रेश एटमॉस्फेयर में ले जाना। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन मुख्तलिफ तरीकों से दिया जाता है, इसलिए उसकी कुछ अकसाम हैं जिनका मुख्तलिफ सूरत हाल में एप्लीकेशन होता है, जैसे स्टेफर्स मेथड, इसे प्रोन प्रेशर मेथड भी कहा जाता है, होलगर नील्सन्स मेथड, इसे आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड भी कहा जाता है, सिल्वेस्टर्स मेथड, इसे आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसी तरह माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केफर्स मेथड की, इसे प्रोन प्रेशर मेथड भी कहा जाता है। इसमें डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लाता है, फिर पेशेंट की वेस्ट के पास बैठ जाता है और अपने पाम को पेशेंट की लॉइन पे रखता है और सामने की तरफ झुककर प्रेशर लगाता है, जिससे एब्डोमिनल वेश्राज ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं। इस तरह एक्सप्रेशन का अमल अंजाम पाता है। वाजिरे के प्रेशर लगाने पे जब एक्सप्रेशन का अमल होता है तो प्रेशर रिलीज करने पे या पीछे की तरफ झुकने पे इंस्पिरेशन का अमल अंजाम पाता है। इंस्पिरेशन के लिए उमूमन 3 सेकंड और एक्सप्रेशन के लिए 2 सेकंड का दौरानिया तय किया जाता है, इसलिए इस मेथड के दौरान एक्सप्रेशन के लिए 1-2 और इंस्पिरेशन के लिए 1-2-3 रफली काउंट करते हैं। स्केफर्स मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये प्रोन पोजीशन में किया जाता है, इसलिए लंग्स और एब्डोमेन से वाटर इजिली ड्रेन हो जाता है। ये एक आसान प्रोसेस है जिसमें थकावट का एहसास नहीं होता और इसे थोरैक्स और बैक इंजरी की सूरत में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इस मेथड में इंस्पिरेशन पैसिव होता है और एक्सप्रेशन एक्टिव, जो कि एक अनफिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो जाता है। इसी तरह एब्डोमेन की इंजरीज की सूरत में इस मेथड का एप्लीकेशन मुमकिन नहीं हो पाता। अब बात कर ले हम होलगर नील्सन्स मेथड की, इसे आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड भी कहा जाता है। इसे प्रोन पोजीशन में करते हैं, डॉक्टर पेशेंट के हेड के पास बैठ जाता है, फिर डॉक्टर पेशेंट के आर्म को ऊपर की तरफ पुल करता है, जिससे इंस्पिरेशन का अमल अंजाम पाता है। डॉक्टर पेशेंट के हाथ को साइड में छोड़कर अपने पाम को स्कैपुला पे रखकर प्रेशर लगाता है, जिससे एक्सप्रेशन का अमल अंजाम पाता है। इंस्पिरेशन के लिए इस प्रोसेस में भी 3 सेकंड और इन एक्सप्रेशन के लिए 2 सेकंड का वक्त दिया जाता है। इस मेथड से वाटर एब्डोमेन और थोरैक्स से आसानी से ड्रेन हो जाता है, इसलिए ड्राउनिंग के केस में इसे सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। एब्डोमिनल इंजरीज की सूरत में भी इसे का एप्लीकेशन मुमकिन हो जाता है। एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन दोनों इस मेथड में एक्टिव होते हैं। इस तरीकेकार का एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये एक टायरिंग मेथड है, इसलिए इसमें असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह अगर स्कैपुला इंजर्ड हो तो ये अमल मुमकिन नहीं हो पाता। अब बात कर लेते हैं सिल्वेस्टर्स मेथड की, इसे आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को डॉक्टर सुपाइन पोजीशन में करते हैं। सबसे पहले एक पिलो ली जाती है जिसे पेशेंट की शोल्डर के नीचे रखी जाती है, इस तरह पेशेंट की नेक एक्सटेंड हो जाती है। डॉक्टर मरीज के हेड के पास बैठता है और
पेशेंट की कलाई पकड़कर ऊपर की तरफ पुल करता है, जिससे इंस्पिरेशन का अमल कंप्लीट होता है। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट के पाम को पकड़ के उसके चेस्ट पे रखते हैं और अपने हाथ से पेशेंट के पाम के साथ उसके चेस्ट पे प्रेशर डालते हैं, जिससे एक्सप्रेशन का अमल कंप्लीट होता है। इसमें भी इंस्पिरेशन के लिए 3 सेकंड और एक्सप्रेशन के लिए 2 सेकंड का वक्त देना होता है। इस मेथड में भी इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों एक्टिव होते हैं, इसलिए वेंटिलेशन बखूबी अंजाम पा जाता है। इस अमल के डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसे सुपाइन पोजीशन में करते हैं, इसलिए लंग से वाटर का ड्रेनेज नहीं हो पाता। यही वजह है कि इसे ड्राउनिंग की केस में अप्लाई नहीं किया जाता। ये एक टायरिंग मेथड है, इसलिए इसमें असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह रिब्स या थोरैक्स के फ्रैक्चर में इस अमल को मुमकिन बनाना मुश्किल होता है। बात कर लेते हैं माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन की। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन का सबसे बेहतर मेथड है। इसमें डॉक्टर मरीज के नेक के पास बैठता है, एक पिलो मरीज के शोल्डर के नीचे रखा जाता है, जिससे नेक एक्सटेंड हो जाती है। डॉक्टर अपने लेफ्ट हैंड से मरीज के नॉस्ट्रिल को सबसे पहले बंद करता है, फिर हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर मरीज के माउथ पे रखता है और एक्सपायर्ड एयर मरीज के माउथ में ब्लो करता है, जिससे इंस्पिरेशन का अमल कंप्लीट होता है। इसी तरह अपना माउथ हटा लेता है, जिससे पैसिवली एक्सप्रेशन का अमल कंप्लीट होता है। इस मेथड का एडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक्सपायर्ड एयर ब्लो की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, इसलिए पेशेंट का रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और वेंटिलेशन एक्टिव होने लगता है। इंस्पिरेशन इसमें एक्टिव होता है, एक्सप्रेशन पैसिव होता है, जो कि एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। एक आम सूरत में भी ये चीज एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। ये एक बेस्ट मेथड है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसे सुपाइन पोजीशन में करते हैं, अगर एब्डोमेन से वाटर ड्रेन ना हुआ हो तो लंग्स में रिगर्जिटेट होने के चांसेस बन जाते हैं, जिससे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने का एक बड़ा मौका बनता है। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन को एक्सीडेंट की साइट पर ही स्टार्ट कर देना चाहिए और उस वक्त तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक कि पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट ना करवा दिया जाए। ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ